बड़े भाई सुदेश सिंह जी, माननीय पार्षद जयशंकर वार्ड। आज कार्यक्रम है माननीय राजनाथ जी का, रक्षा मंत्री और माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के साथ कुछ पल। और डॉक्टर नीरज बोरा जी से मुलाकात करते हुए अब हम लोग आ गए हैं माधव सभागार, जो कि नारायण नगर में स्थित है। और कुछ ही क्षणों में माननीय और कुछ ही पलों में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन होने वाला है। चलिए मुलाकात करते हैं श्री राजनाथ सिंह जी से।
जगह है उधर से हटे। स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार करता ध्वनि के साथ में हम सभी अपने यहाँ पर जीवंतता का सम्मान देंगे। भारत माता की। मैं रख देता हूँ और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस नए भारत का निर्माण होते ही प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों में देख रहे। ऐसा नया भारत जो सामान्य भारत नहीं होगा, बल्कि ऐसा भारत होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे ऊंचा कद यदि किसी का होगा हमारे और आपके भारत का होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वे आपने 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उन्होंने मुझसे कहा, इंदिरा जी, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत के ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक स्टैचू बनाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने फैसला ले रखा है। और उस स्टैचू को बनाने में किसी एक स्थान से कोई लोहा अथवा कोई भाग नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि हिंदुस्तान के गांवों गांव से किसान जिस हल से अपने खेत की जुताई करता है, उसकी जो भाग होती है, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर गांव का उस भाग का जो लोहे की भाग होती है उसका टुकड़ा यहाँ पहुँचना चाहिए और उसी स्टील से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया जाए। उस समय पार्टी की बैठक बुलाकर मैंने सभी को यह आवश्यक निर्देश दिया था और मैंने कहा था पूरे पार्टी के लोग इस काम में लग गए कि हिंदुस्तान से हर किसान के पास से कोई न कोई छोटी सी छोटी जो लोहे की वस्तु हो वह भेजी जाए और सारे हिंदुस्तान के किसानों ने इसमें विशेष रूप से अपना सहयोग किया है। इसलिए मैं हिंदुस्तान के सभी किसानों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था की अभिव्यक्ति की। भाइयों, आज जो स्टैचू ऑफ यूनिटी तैयार हुआ है, भारत का ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनकर तैयार हुआ है, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। और उन्हीं के प्रेरणा लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इसे प्रत्यक्ष आप ही नहीं बल्कि सारी दुनिया देख रही है किस तरीके से हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ये हाल में ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिका के राजदूत मिस्टर कार्सेटी ने कहा था कि इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू सी फ्यूचर कम टू इंडिया, एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य आप महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ, यदि भविष्य आप देखना चाहते हो तो आप भारत आओ, यदि भविष्य पर आप काम करना चाहते हो तो आप भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश, दुनिया का जो सबसे धनवान देश माना जाता है, उस अमेरिका के राजदूत ने आज के कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कहा। सचमुच हम सबके लिए गौरव का विषय है और मैं कह सकता हूँ आज अध्यक्ष हम लोग अपने आंखों के सामने नए भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। मैं यह दावा नहीं करना चाहता, अब तक की आजाद भारत की जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की चाहे जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, सबने कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है, सबने कुछ न कुछ काम किया है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकते। लेकिन विकास की तेजी, विकास की तीव्रता जो मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है, और गंगे की चोट में कह सकता हूं तो विकास की तेजी और विकास की तीव्रता हमको देखने को मिली है।
और यही काम है कि